हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम लोग बाइक का ऑफ रोडिंग टेस्ट करने वाले हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बाइक का क्या पिकअप है और इसके सस्पेंशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक टेकिंग डिलीवरी और रिव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये रोड ख़राब है, और यहाँ पे बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई दिक्कत तो फिलहाल अभी नहीं हो रही क्योंकि न्यू बाइक है। अब आगे कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप देख सकते हैं कितनी ख़राब रोड है। शॉकर भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमको ज़्यादा लचकी फील नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी यहाँ पे पहले या दूसरे गियर में ही आप उठाएँ तभी गाड़ी बढ़िया से उठेगी। अगर आप तीसरे से गियर में उठाएँगे तो आपको दिक्कत हो सकती है या गाड़ी बंद हो सकती है। तो गाड़ी आप पहले दूसरे गियर में उठाएँ। और पिकअप गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, एकदम बढ़िया पिकअप है, गाड़ी तुरंत उठ रही है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों बाइक करते हैं स्टार्ट और चलते हैं। तो गाइस इसके शॉकर जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे, ज़्यादा मुझे दिक्कत फील नहीं हो रही है, शॉकर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और जो इसका पिकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब गाड़ी जब धीमी होती है अगर हम लोग तेज उठाना चाहें तो काफ़ी अच्छी उठ रही है, और ज़्यादा दचकी फील नहीं हो रही है शॉकर में, और गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी मैंने बाइक का ऑफ रोडिंग किया है, तो आपको ऑफ रोड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मेरा दोस्त पीछे बैठा था तो उसने बताया कि उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी कंफर्ट फील हुआ, और जो इसके बाइक के सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और आगे के सस्पेंशन काफ़ी मोटे हैं, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। उसके बाद हैंडलिंग और पिकअप जो कि काफ़ी अच्छा है, उसके बाद सिटिंग पोजीशन भी इसकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और इसका जो बैक टायर है वो आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग की तरह मिल जाएगा, आप देख सकते हैं बैक जो टायर है इसका वो ऑफ रोडिंग है, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो काफ़ी मोटा टायर आपको मिल जाएगा बैक में। उसके बाद सस्पेंशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही फाइनली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।